नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ लिया था। क्लियर है बच्चों? आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जैसा मैंने उस दिन भी आप लोगों से कहा था कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं, उसके पीछे कारण भी बताया था। क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्टेंट आता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसका रिजल्टेंट एक वेक्टर की फॉर्म में आता है, इसलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैफ। अब ये जो एन कैफ है बेसिकली ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, और ये क्या होता, ये जो हमारा वेक्टर ए और बी है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इनके बीच एंगल थीटा है। थीटा आप 0 से 180 के बीच ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच एंगल थीटा एंड एन कैप, एन कैप क्या है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। आप ऐसे समझ लीजिए, ए के वेक्टर ऐसे हो गया ए, ए के वेक्टर हो गया बी, और इन दोनों के परपेंडिकुलर दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये जो यूनिट वेक्टर है, मैंने इस ढंग से क्वाइल टाइप किसी एरो बनाया है। ये नहीं होता जैसे एक स्क्रू है, स्क्रू को ऊपर को खोलते चले जाइए, ऊपर को जब खोलेंगे तो ये यूनिट कैप की डायरेक्शन अपवर्ड साइड में आएगी, और इसी को मैं उल्टा कर दूं, इसी की डायरेक्शन नीचे कर दूं, बात समझ रहे हो? दिस उल्टा, दिस इज एन कैप अगेन, वर्ड डायरेक्शन अब इसकी निगेटिव होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी कि अब मैं यहां पे इसको एन कैप को माइनस एन कैप से रिप्रेजेंट करूं। तो यहां बच्चों क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड एन कैप फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। ये राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहा, और वेक्टर बी वेक्टर ए एन माइनस एन कैप, ऑब्वियस है डायरेक्शन नीचे को हो गई तो माइनस होगा, और डायरेक्ट वैसे बोलना हो तो वेक्टर बी वेक्टर ए एन एन कैप फॉर्म ए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, फॉर्म ए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। क्योंकि वैसे भी आप जानते हो जब क्लॉक वाइज में जाएंगे तो एंगल निगेटिव हो जाएगा, एक ढंग से ऐसे याद रख सकते हो। वेक्टर ए वेक्टर बी एन कैप फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, वेक्टर बी वेक्टर ए जब इसकी डायरेक्शन नीचे को हो जाती है तो दैट फॉर्म ए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। यानी कि बी ए एन कैप निगेटिव ना कह के डायरेक्ट कहो, बस वेक्टर बी वेक्टर ए एंड एन कैप फॉर्म ए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। यानी कि इधर जो है वो ए क्रॉस बी एन कैप के इक्वल हो रहा है, इधर B क्रॉस A एन कैप के इक्वल हो। ऑब्वियस है जब B क्रॉस A हम ले रहे हैं तो डायरेक्शन हमारी निगेटिव हो जाए। ठीक है जी, तो आ जाइए साहब, A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप। अब इसके दोनों तरफ में मॉड ले लूं तो A क्रॉस B का मॉड, और इधर राइट हैंड साइड में पूरे का लूंगा, तो अब ये A पे दो मॉड लगाओ या एक, A की बात है तो मॉड A मॉड B साइन थीटा के ऊपर मॉड एन कैप, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का मॉड हटा दिया मैंने क्योंकि 0 से 180 डिग्री के बीच साइन थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, और एन कैप यानी कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये 1 हो गया। यहां से क्या आया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहीं से अगर मुझे एंगल निकालना है तो एंगल क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा की वैल्यू ए क्रॉस बी ओवर मॉड ए मॉड बी। अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट दी हुई है और उनका यानी कि दो वेक्टर दिए हुए हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में अगर हमें एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू
ए क्रॉस बी ओवर मॉड ए मॉड बी। बच्चों बात क्लियर है यहां तक? यस। अब अगर मैं इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू बोल दूं, चलो बोल दे रहा हूं मैं वन एंड टू, वन को टू से डिवाइड करिए तो ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी, एक मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, एन कैप मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये कैंसिल। तो यहां से एन कैप क्या आ गया बच्चों, एन कैप ए क्रॉस बी ओवर मॉड ए क्रॉस बी, या हम इसे प्लस माइनस ऐसा भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी, ऊपर को भी नीचे को भी, कोई भी हो सकती है। तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे आया ये, अरे ए क्रॉस बी को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया, किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो दिस इज यूनिट वेक्टर। बट अगर मुझे वेक्टर ही निकालना हो तो मुझे क्या करना है, प्लस माइनस लैम्डा। लैम्डा क्यों करा मैंने यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ये जो लैम्डा है, जल्दी बोलो, ये जो लैम्डा है ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड को अगर मैं किसी यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं। तो दिस इज ए वेक्टर एन विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। सिंपली अगर आपसे यहां कोई पूछा जाए कि भाई दो वेक्टर है हमारे ए एंड बी, उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो वो किसके ऊपर होगी बच्चों, ए क्रॉस बी ओवर डियर मैग्नीट्यूड, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर एन कैप की वैल्यू क्या थी, ए क्रॉस बी ओवर मॉड ए क्रॉस बी, और वेक्टर एन क्या है, प्लस माइनस लैम्डा, यानी कि लैम्डा उसका मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे बड़े आराम से किसी वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। ये जो मैंने वेक्टर निकाला है ये वो वेक्टर है जो वेक्टर ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर है। चलिए साहब अब आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी दो वेक्टर के, ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट में भी है, क्या क्या है ये देखिए, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। बच्चों डॉट प्रोडक्ट में क्यों फॉलो किया था, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन अकाउंट यानी कि डायरेक्शन पार्ट प्ले नहीं करती, केवल मैग्नीट्यूड होता, बट वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते। तो अभी मैंने आपको दिखाया था अगर मैं ऊपर को एरो बनाता हूँ तो एन कैप पॉजिटिव आएगा, और इसी की डायरेक्शन नीचे लेता हूँ तो ये निगेटिव आएगा। तो इसलिए ए क्रॉस बी नॉट ऑलवेज बी क्रॉस ए। सेकेंड ए क्रॉस एम बी, एम यहाँ पे कोई स्केलर क्वांटिटी है, या एम ए क्रॉस बी, या एम बाहर ले लो ब्रैकेट में अंदर ए क्रॉस बी, सेम रिजल्ट आएगा, यही आपका डॉट प्रोडक्ट में भी था। अब एम को वैल्यू मैं माइनस वन दे दूं, ए क्रॉस माइनस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ए क्रॉस बी, और देखिए ए क्रॉस बी प्लस सी इसके ऊपर हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इधर आइए ए क्रॉस बी माइनस सी किसके ऊपर हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई, ये इस क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव 4-5 जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है, ठीक है बच्चों। करिएगा नोट इसे जल्दी से। चलो बच्चों इसके आगे देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये जो हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं दो वेक्टर की, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। यस देखिए ये बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिकली एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। समझे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, कैसे करता है वो मैं बताऊंगा। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, फिजिकली इंटरप्रिटेशन टॉर्क, फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल क्या था, वर्क डन
ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल क्या है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, और फिजिकल क्या है, टॉर्क। क्लियर है? तो आइए, मैंने पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी, इसको मिलाया, दो अलग अलग ट्रायंगल बना दिए ए बी डी और बी सी डी। ए बी डी का एरिया निकाला मैंने, ये हाइट आ गई, परपेंडिकुलर डाला तो कितना हो जाएगा, हाफ ए बी इंटू एच, और ए बी कितना हो गया मॉड ए, एच कितना हो जाएगा यहां से ट्रायंगल ए बी ए सॉरी ए इस वाले ट्रायंगल में, ये साइन थीटा एच ओवर मॉड बी, यहां से एच की वैल्यू मॉड बी साइन थीटा, तो रख दीजिए यहां एच की जगह, ये रख दिया मॉड बी साइन थीटा, तो डेल्टा इक्वल टू हाफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, पढ़ा है कि नहीं, बोलो बोलो बच्चों। तो यहां से मॉड ए मॉड बी साइन थीटा की जगह ए क्रॉस बी रख दिया मैंने, ये क्या हो गया हाफ ए क्रॉस बी। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एरिया ऑफ एबीडी, यानी कि ट्वाइस हाफ ए क्रॉस बी, ये कितना हो गया बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी। और यहीं पे वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो जब वेक्टर एरिया निकालेंगे तो इसके ऊपर से मॉड हटा देंगे, क्या करेंगे हम इसके ऊपर से बच्चों जल्दी बोलो मॉड हटा देंगे, तो दिस इज वेक्टर एरिया एंड दिस इज सिंपल एरिया। ठीक, अब इसके बाद एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, वैसे तो यहां निकाल ही चुका हूं मैं, हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी अगर हम ऐसे ले रहे हैं परपेंडिकुलरली, यानी कि हाफ बेस इनटू ए हाइट, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और हाफ बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, और हाफ सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, डाल सकते हैं ऐसे इधर को डाल दो, तो अगर आप अलग अलग करके निकालेंगे तो तीनों से सेम यही एरिया आएगा, बस वही करना हाफ बेस इंटू हाइट सिंपली। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या हो गया, हाफ ए क्रॉस बी, हाफ बी क्रॉस सी एंड हाफ सी क्रॉस ए। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिएगा अगेन नेक्स्ट, यस, वेक्टर एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विद डायगोनल ए सी एंड बी डी ए हाफ ए सी क्रॉस बी डी। ध्यान से सुनिए, अभी जो हमने एरिया निकाला था वो पैरेललोग्राम का एरिया निकाला था हाफ ए क्रॉस बी, ए और बी जो है वो पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इसने कहा है कि ए सी और बी डी डायगोनल दिए हुए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो ए सी और बी डी के टर्म में उसका एरिया क्या होगा, तो बच्चों सिंपली क्या होगा एरिया उसका, हाफ ए सी क्रॉस बी डी, यानी कि अगर मैं इस डायगोनल को डी वन और इसको डी टू बोल दूं तो सिंपली हाफ डी वन क्रॉस डी टू। ध्यान रखिएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया में हाफ आ रहा है, हाफ तब आ रहा है जब डायगोनल के टर्म में हमें एरिया निकालना है। तो चलिए कैसे आया ये ट्रायंगल, इस पूरे का एरिया चाहिए मुझे ए बी सी डी का, पहले ए बी सी का निकाल लो, क्या हो जाएगा हाफ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, अभी थोड़ी देर पहले ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाला था ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए, ये आ गया ए बी सी का एरिया ए बी क्रॉस ए सी, अब ए सी डी का निकाल लो हाफ ए सी क्रॉस ए बी। ठीक, अब इसको इस वाले को यहां लिख दीजिए हाफ ए सी क्रॉस ए बी, और इसको हाफ ए सी क्रॉस ए बी, और बाहर माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस टू आया बच्चों क्योंकि मैंने इन दोनों की डायरेक्शन इंटरचेंज कर दी। ठीक है, तो क्या हो गया अभी हाफ ए सी दोनों में से बाहर आ गया, ए सी क्रॉस ए डी माइनस ए बी, ए डी माइनस ए बी। अब इधर आइए इंट्रेंगल ए बी डी में ए बी प्लस बी डी इक्वल टू ए डी होगा कि नहीं, यहां से बच्चों बी डी क्या हो गया ए डी माइनस ए बी, यानी कि ए डी माइनस ए बी की जगह बी डी रख दीजिए, तो क्या हो गया हाफ ए सी क्रॉस बी डी, और ए सी और बी डी क्या है ये है डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो ये हो गया वेक्टर एरिया, और सिंपल एरिया हाफ मोड ए बी ए सी क्रॉस बी डी, और अगर डायगोनल डी वन डी टू के फॉर्म में है तो सिंपल
हाफ डी वन क्रॉस डी टू, इस ढंग से आप उसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। जैसे बच्चों दो वेक्टर दिए हैं आपस में, अगर वो दो पैरेलल या कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों भैया? जब वो पैरेलल या कोलिनियर है तो थीटा जो है जीरो डिग्री हो गया। अब थीटा का जीरो डिग्री है तो जरा देखना, मॉड ए मॉड बी साइन जीरो एन कैप और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है कि नहीं होती? साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इस जीरो को सबसे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, आएगा तो ए क्रॉस बी इज ए जीरो वेक्टर, क्योंकि इसका रिजल्ट है वेक्टर की फॉर्म में आएगा, जीरो के ऊपर वेक्टर लगाएंगे। तो यहां से ध्यान रखिएगा, हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर या पैरेलल हैं तो कैसे प्रूव करते थे, किसी एक वेक्टर को स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर, यानी कि वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा ए, यानी कि वेक्टर बी इक्वल टू ट्वाइस ए या थ्री ए या हाफ ए टाइप से अगर प्रूव हो जाता था तो हम कहते थे कि दो वेक्टर हमारे क्या है, कोलिनियर या पैरेलल। तो आज बच्चों यहाँ पे दूसरा मेथड आ गया है कोलिनियर और पैरेलल होने का, क्या सिंपल, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और वो क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि यस दोनों वेक्टर हमारे पैरेलल या कोलिनियर। ठीक है साहब, अब आइए नेक्स्ट, आई जे के प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कह दो, आई जे के आप जानते हो ये सीन है, दिस इज आई दिस इज जे दिस इज के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे, जेड एक्सिस के अलोंग के होता आप जानते हो। आइए बच्चों, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे जीरो हुआ करता था, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, और यहां आई क्रॉस आई जीरो। ऐसे आप खुद देखिए यहाँ पे बी की, यहाँ भी आई यहाँ भी आई, तो आई आई साइन थीटा और साइन थीटा मीन साइन जीरो, अरे जब दोनों वेक्टर एक जैसे हो गए तो एंगल जीरो हुआ कि नहीं हो, साइन जीरो जीरो होता। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये सारी क्वांटिटी जीरो है, और आई क्रॉस जे के इक्वल होगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल होगा, के क्रॉस आई जे के इक्वल होगा। याद कैसे रखना, देखिए आई क्रॉस जे ऐसे चल रही है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे, और अगर उल्टा चलते हो तो के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, और आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे। अगर एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हो तो प्लस, क्लॉक वाइज चल रहे हो तो माइनस। आइए बच्चों, मैंने मान लिया एक वेक्टर है ए, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, एक वेक्टर है बी, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। ठीक है बच्चों, अब ए क्रॉस बी इन दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो बच्चों कैसा आएगा ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी, ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, बी वन आई बी टू जे बी थ्री के। देखिए जैसे ए वन बी वन आई क्रॉस आई आया, और आई क्रॉस आई अभी हमने जीरो लिया कि नहीं, ये जीरो हो जाएगा, प्लस ए वन बी टू आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे की जगह यहां रख देंगे हम क्या, के, ऐसे ही पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक, अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों हमने निकाली है ये बाई दी बे ए क्रॉस बी, यानी कि इस डिटर्मिनेंट आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, इस पूरे को, इस डिटर्मिनेंट को, ये डिटर्मिनेंट है बच्चों, इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो क्वांटिटी आएगी दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस, यानी कि इससे जो मैं निकाल रहा हूं इस ढंग से काफी लेंथी करके, वही जो रिजल्ट इससे आएगा वही रिजल्ट आपका डायरेक्टली यहां आ जाएगा। या ऐसा कह लीजिए जब मैंने इसको इस ढंग से लिखा और इस पूरे क्वांटिटी को अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना हो तो इस पूरी क्वांटिटी को इस ढंग से हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो
आपको इवन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली ए क्रॉस बी निकालना है जिसमें आई जे के डिटरमिनेंट के अंदर ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। तो मैं समझता हूं बच्चों ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी, क्लियर है। इस ढंग से आपका ये डिटरमिनेंट ओवर हो गया है, सॉरी ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का ये ओवर हो गया है। अब इसके बाद आगे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाता हूं, उनको देखेगा।